दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में रोहित शर्मा ने एक कप्तानी पारी अपनी टीम के लिए खेली। उन्होंने अपने पारी के दौरान दोस्तों बहुत लंबे लंबे छक्के भी लगाए और कई चौके भी लगाए। जरूरत जब भी पड़ती थी छक्के चौके की तो रोहित शर्मा अपनी पारी के दौरान लगा रहे थे। ऐसा ही दोस्तों एक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है। दोस्तों आप लोग बता दें उन्होंने मार्टिन गप्टिल को पीछे पछाड़कर T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए जिसमें से दोस्तों अब पहले उनके छक्के टोटल मिलाकर T20 इंटरनेशनल में 172 थे लेकिन अब उनके छक्के 176 हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों मार्टिन गप्टिल की बराबरी पर वह पहले खड़े थे जब यह T20 मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों अब उन्होंने मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़कर अब यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और वह T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसी के साथ टीम इंडिया ने दूसरा T20 6 विकेट से जीता। रोहित शर्मा ने 20 बॉल में 46 रन की पारी खेली। इसके बलबूते पर सीरीज 1-1 की बराबरी पड़ खड़ी है। अब देखने वाली बात यह है क्या टीम इंडिया तीसरा T20 मैच जीतकर इस सीरीज को जीत पाती है या नहीं। आप लोग इस स्कोर में क्या राय है हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी क्रिकेट की अपडेट पाने के लिए आप लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।